शुभारंभ किया गया, क्या उद्देश्य इसका और क्या कहना? देखिए, हर साल की तरह नवंबर का माह जो होता है वो यातायात माह के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इसमें बृहद रूप से प्रत्येक स्कूल कॉलेजेस में जाके, चौराहे पे जाके जो ट्रैफिक नियम है, बेसिक जो चीज़ें होती है ट्रैफिक अच्छा बनाने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। स्कूली स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस बारे में बताया जाएगा कि हेलमेट पहनना है और सीट बेल्ट के बारे में और सिग्नल्स के बारे में, ओवरटेक ना करने के बारे में, कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ट्रैफिक की, और अच्छा हम लोग बेहतर तरीके से इसको कैसे कर सकें, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये पूरा महीने में विविध तरीके का कार्यक्रम जो है वो यातायात माह से माह में अरेंज किए गए हैं। इस तरीके के पैम्पलेट्स हम लोगों ने छपवा लिए हैं, जगह जगह स्कूल कॉलेजेस और जगह जगह इसको बंटवाया भी जाएगा। यातायात माह चल रहा है, जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा को चलाने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? देखिए, ई रिक्शा को चलाने के लिए जो नॉर्मल हम लोग इसके लिए जो उम्र होती है, उतनी ही उम्र जो है ई रिक्शा के लिए भी चलाएंगे। वो बेसिक डिफरेंस ई रिक्शा और इसमें यही है कि वो बैटरी पे चलता है और बाकी गाड़ियां जो है वो, ये ट्रैफिक नियम सबके लिए सेम रहेंगे, नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। जिले में देखा जाता है